हेलो लर्नर्स वेलकम टू चलो सी यू ई टी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यू जी कोर्स के लिए पहली बार जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए तो सी बी टी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस के लिए एन टी ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ पर स्टूडेंट्स आकर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन

मैक्स मिल सके अगर सही होता है तो क्लियर यू कैन क्लिक ऑन द इंक्रीज एरो व्हिच अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ क्वेश्चन पैलेट टू कोलैप्स द क्वेश्चन पैलेट देयर बाय मैक्सिमाइजिंग द क्वेश्चन विंडो यानी कि अगर इस टाइप का जो सिंबल आपको वहां पे है उस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो uh, क्वेश्चन पैलेट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा वहीं पे इस वाले सिंबल को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन पैलेट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा यानी कि उसमें राइट साइड का जो बॉक्स है वो भी जो है ओपन हो जाएगा क्लियर यू कैन क्लिक ऑन प्रोफाइल इमेज ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन टू चेंज द लैंग्वेज ड्यूरिंग द एग्जाम ऑफ एंटायर क्वेश्चन पेपर तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको अगर अपना लैंग्वेज चेंज करना है तो आप प्रोफाइल प्रोफाइल इमेज पर जाएंगे वहाँ पर राइट कॉर्नर जो है आपके स्क्रीन पर होगा वहाँ से आप जो है लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं एंटायर क्वेश्चन पेपर में, अगर हिंदी सब्जेक्ट का है तो वहां पे आप लैंग्वेज नहीं चेंज कर पाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का है तो उसको नहीं चेंज करें बाकी अगर आपको चेंज करना है तो अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं ऑन क्लिकिंग प्रोफाइल इमेज यू विल गेट ए ड्रॉप डाउन टू चेंज द क्वेश्चन कंटेंट ऑन द डिजायर्ड लैंग्वेज क्लियर तो नेक्स्ट है यू कैन क्लिक ऑन डाउन एरो टू नेविगेट टू द बॉटम एंड अप एरो टू नेविगेट टू टॉप क्वेश्चन आर विदाउट स्क्रोलिंग यानी कि आप माउस से स्क्रोल करने के बजाय आप जो है इस अप डाउन एरो का यूज कर सकते हैं ऊपर और नीचे पेज को करने के लिए ठीक टू आंसर ए क्वेश्चन डू द फॉलोइंग यानी कि अगर आपको कोई आंसर करना है आंसर uh, लिखना है तो आपको जो है ये फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट एट द राइट ऑफ योर स्क्रीन टू गो टू दैट नंबर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली नोट दैट यूज Option does not save your टू द करेंट क्वेश्चन क्लियर क्वेश्चन पे जाने के लिए ए right है, है, हाँ, है, है और वो करेक्ट है तो ए को चूज करिए उसके बाद से जरूर क्लिक करिएगा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तभी वो ऑप्शन सेव होगा नहीं तो ऑप्शन सेव नहीं होगा वहीं पर तीसरा है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर है तो उसमें फिर जो है ऑप्शन को चूज करिए उसके बाद फिर से सेव से करिए उसको तभी वो जो है सेव से माना जाएगा क्लियर प्रोसीजर फॉर आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन तो यहां पे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन को कैसे आप सेव कर सकते हो टू सेलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑन द ऑप्शन क्लियर टू डीसेलेक्ट योर चूज्ड आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ चूज इन ऑप्शन अगेन और क्लिक ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स बटन तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर बटन उसको क्लिक करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स क्लियर हो जाएगा यानी कि अगर आपने कोई ऑप्शन चूज किया और आपको लगता है नहीं नहीं ये ऑप्शन नहीं है तो आप जो है क्लियर रिस्पॉन्स क्लिक कर सकते हैं उसके बाद दोबारा से करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं नेक्स्ट है टू चेंज योर यूजन आंसर क्लिक द बटन ऑफ अनादर ऑप्शन यानी कि अगर आपको ऑप्शन चेंज करना है ए ऑप्शन चूज किया था बी ऑप्शन चूज करना है तो सीधे बी पे क्लिक कर तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन टू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू क्लिक ऑन द मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन तो सेव करना है तो सेव एंड नेक्स्ट अगर मार्क करना है तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन क्लियर तो ये इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पढ़ लेने होंगे तो सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सीबीटी मोड में जो एग्जामिनेशन होना है वो ओपन हो जाएगा पेज जहां पे आप अपने क्वेश्चन और राइट

चेक करेंगे चेक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट यानी कि करेक्ट ऑप्शन चूज करिए तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है अगर आपने वन ऑप्शन चूज किया है और आपको लगता है कि नहीं जो है

क्लिक कर दिए चाहे क्लियर रिस्पॉन्स करके फिर वन पे क्लिक करिए क्लियर तो इस तरीके से जो है आप यहां पे चेंज कर सकते हैं अब यहां पे देखिए राइट साइड में आपको क्वेश्चन पैलेट है

देखिए हमने ऑप्शन वन चूज करते हैं सेवन नेक्स्ट कर देते हैं तो आप यहां पे देखेंगे कि वन क्या हो गया आंसर्ड हो गया क्लियर तो यहां पे क्या है सिलेक्टेड आंसर वन यहां पे आप देखेंगे हाईलाइट भी क्या हो गया वन जो है हाईलाइट हो गया ग्रीन से यहाँ पे आंसर वन हो गया यहाँ पे हमने इलेवन और एटीन पे क्लिक किया था तो हमने जो उनको आंसर नहीं किया था तो इलेवन और एटीन क्या हो गया जो है रेड मार्क में आ गया नॉट आंसर यानी कि उसके ऑप्शन हमने चूज नहीं किए हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है तो सीधे आप जो है फिफ्टी पे जंप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे हमने क्लिक किया था देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे हम सीधे जंप कर दिए हैं और यहाँ पे जो है आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप वो ऑप्शन जो है यहाँ से चूज कर सकते हैं और आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट

तो इस तरीके से जो है आप यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं सी यू टी यूजी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए यू ऑल द बेस्ट की पॉचिंग